महाराज जी, अगर हम, जैसे आपने बोला, अपना समझ के उनसे मांगिए, अगर वो पूरा नहीं कर रहे तो इसके पीछे हमें क्या समझना चाहिए? बहुत बढ़िया मंगल विधान है उनका, हम जान नहीं पा रहे हैं। उनके मंगल विधान में हमारी कामना बाधा पहुंचा रही थी, इसलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। 100% समझ। महाराज जी, बहुतों का प्रश्न है। हाँ, बहुत क्या होता है, संसार के जीव बात समझ नहीं पा रहे। आप भगवान से मांगा, लेकिन आपने भगवान को अपना नहीं माना। सच्ची मानिएगा, सच्ची मानिएगा। अश्रद्धा और श्रद्धा पराये से होती, प्रभु से नहीं। वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे लिए जो विधान करेंगे बहुत बढ़िया विधान करेंगे, बिल्कुल सच्ची मानिए। आप समझते नहीं, अरे बोले कैंसर हो गया, बहुत बढ़िया विधान। हाँ, अनंत जन्मों में हमने पाप कर्म किए, उसका परिणाम आज कैंसर रूप में आया। अब देख लो कि अब शरीर छूटेगा, भय सवार हो गया, तो जितनी श्वासें राधा राधा जप लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कैंसर जैसा दुख ना होता तो भगवान की याद ना आती, भोगों में भूल जाते। ये बड़ी कृपा हुई। शरीर तो जाएगा ही, शरीर क्या केवल कैंसर से जाता है? अरे भैया, ऐसे ऐसे दृश्य हैं, खूब खाए पिए, फिल्मी गाना बज रहे हैं, महंगी गाड़ी में बैठे, और एक क्षण में गाड़ी में आग लगी, सब भस्म हो गए। कितने ऐसे समाचारों में नहीं आते, कितने ऐसे खूब आनंद, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए। इसका कोई भरोसा है? हमारी कामना नहीं पूर्ण हुई, कोई भगवान मंगल विधान नहीं, भगवान के पास कोई कमी है? कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं वो हमको क्यों नहीं दे रहे? जरूर न जरूर हमारे ऊपर कृपा है। क्या कृपा है, हम गरीबी से जी रहे हैं, बड़ी विपत्तियां हैं, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, ये तुम्हें अनुभव कराने के लिए भगवान। अब तुम चलो भगवान की तरफ, भगवान रास्ता देते, पर जीव हट करता है नादान बालक की तरह, जैसे छोटा बालक कार, हवाई जहाज, वो प्लास्टिक के लिए होते, वो बिरज गया कि मुझे ये चाहिए, नहीं देगा तो वो फैल के रोने लगता है। फिर विवश होकर माता पिता या तो लाके दे देते हैं और या फिर एक और नया काम करते हैं, सब पढ़िया देते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे ही जिद्दी बालक है, तो फिर थपड़िया भी देते हैं। यार तुमको समझाया, समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, यहाँ इतना समझो, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है। बोलो विचार करके, कुछ टिकाऊ है ना? हमारा शरीर टिकाऊ है, ना कोई भोग टिकाऊ। यदि भगवान हमको ये टिका, जो टिकने वाली वस्तुएं नहीं, ना देकर हमें अपनी भक्ति दे दे, वो अपने को दे दे, अपना प्रेम दे दे, तो हम पर कृपा ही तो कर रहे हैं। तो ये भक्ति का मार्ग ही तो खुल रहा है। जब सब जगह ठोकरे लगती, कोई नहीं अपना हो, तब भगवान याद आते। द्रौपदी जी को तब तक भगवान याद नहीं है जब तक किसी और का सहारा रहा। हमें लगता है हर विधान मेरे भगवान का मंगलमय है। यदि हम कह रहे मांगो, यदि नहीं पूरी हो रही तो ये विचार कर लो कि कोई मंगल भगवान का विधान है, नहीं उनको देने में क्या था। अब हम शांत हो जाते हैं, ना भगवान पे अश्रद्धा करते हैं और ना उस मांग की। आप देख लेना, मंगल होता चला जाएगा। हमने ऐसा देखा है कि अगर ये मिनट भगवान कृपा ना करते तो बस खत्म, जीवन ही खत्म। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखिए, बचा लिया बचा लिया। एक एक कदम पर वो अपने जनों को बचाते हैं, विश्वास करो। बिना मांगे वो देते हैं, बिना चाहे वो सुरक्षा करते हैं। हमें सत्संग में बताया, एक बार हम गंगा के किनारे जब भ्रमण करते थे, गंगा के किनारे रहते थे, तो वहाँ की कुछ एक ऐसी मिट्टी होती है कि जैसे कुछ सूख गई तो मजबूत हो गई, और कुछ ऊपर से सूख गई और नीचे दलदल ही दलदल है, और ऊपर वो एकदम प्लेन और सूखी हुई, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ दलदल है। अब हम उधर ही जा रहे थे, कोहरे का समय था, सर्दी बहुत थी उस समय, कोई घाटों में नहाने आता था, अन्य जगह तो था नहीं। अब अगर हमारा कदम अगला पहुंच जाता, हम वहां फंस जाते, तो कब कौन आता पता नहीं, और कितना हम धस जाते पता नहीं। आवाज आए, ए आगे दलदल है, डंडा छड़ी रखते थे ना, ऐसे आगे डंडा किया तो मलाई जैसा, पापड़ी हटी और मलाई जैसी आगे की, मतलब समाते चले जाते। अब हम लौट के देखा, कोई आदमी नहीं था। बार बार ये भगवान भगवान बोले, भगवान बचाए। ऐसे सैकड़ों जगह हमने देखा कि हमारे भगवान हमको कैसे दुलार करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। वो हमारे, वो आपके, लेकिन आप अपना उनको नहीं मान रहे।
अपना मान करके यदि बात रखें तो पक्का वही वो करेंगे जिससे मंगल होगा। दे देते हैं तो हमारी हानि नहीं होगी, और नहीं देते हैं तो जरूर हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हमको लगता है अगर इतना हो जाता तो यार उनका क्या बिगड़ जाता, लेकिन उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां देते हैं जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो, घेर देते हैं ऐसी परिस्थिति में, नहीं देते भाई भोग सामग्री। अब उसको एक ही बात याद है, अच्छा भगवान ही एक सहायक है, वो पूरा मन भगवान की तरफ, अगर हमें दुख ना मिले, संसार से विपत्ति ना मिले तो भगवान की तरफ चलने का मन ही नहीं करेगा। भोगों में जब अच्छा अनुकूल भोगों कहा, उनको भगवान थोड़ी सुहाई देते हैं, उनको तब सुहाई देंगे जब दुख विपत्ति आएगी। इसलिए हमें लगता है भगवान से मांगे और कामना पूर्ण ना हो, नाराज ना हो, उसमें कोई मंगल विधान भगवान का है, पक्का मान लीजिए पक्का। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे खुद को देते हैं, ये टिकाऊ चीज नहीं है यहाँ कोई भी। इतना सा एक हम कई बार उदाहरण दिया है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में थे, तो बोले चलो आज भक्तों के दर्शन करते हैं। माता जी ने कहा चलो, भगवान एक साधु के वेश में हो गए, माता जी पीछे साध्वी के रूप में हो गई। एक धनी आदमी चारपाई पे बैठा, सुपारी कतर के खा रहा था, पचासों गाय भैंसे सब खूब, उससे कहा भाई 100 ग्राम दूध दे दो, हमारे ठाकुर को स्नान करवाना है। जाने क्या क्या अशुद्ध शब्द बोल गए। पार्वती जी एकदम रुद्र दृष्टि में, हम दर्शन कराने आए भक्त के, पहले धूप का कष्ट सहले तो छाया का सुख मिलता है, पहले अभक्त के दर्शन करो तब तुम्हें भक्त के दर्शन कराएंगे। हटे भगवान शिव और कहा हे भगवान श्री हरि, इसके पास जितनी संपत्ति है इससे और 100 गुना इसकी बढ़ जाए। माता जी और ढरदानी तो कहते ही, उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, गाली दी ऊपर से, और ये भगवान ऐसा। फिर भगवान बोले आओ चलते हैं तुम्हें भक्त के दर्शन कराने। तो एक गांव में गए, तो फुसा की झोपड़ी थी, उसमें उसकी माँ रहती थी, एक गाय थी जवान आदमी, गंगा जी पार्श्व में बहती थी, गंगा नहा के भजन करता, माता की सेवा के लिए मेहनत करता, और गाय जो थी 100-200 ग्राम दूध देती थी, उससे माता जी की सेवा। भगवान शिव गए, भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए 100 ग्राम दूध, तो जो देसी गाय होती है वृद्ध हो गई, आधा लीटर 500 ग्राम 1 लीटर बस ऐसे, ज्यादा नहीं अपनी जो दे, हाँ नवीन हो तो 5-6 लीटर तक, ये 20-25 लीटर अपने देसी गायों में नहीं होता। वो थोड़ा दूध देती थी, पूरा दूध रख दिया, पाओ आप ऐसे पाया, थोड़ी देर भगवत चर्चा की, चल दिए और कहा हे भगवान इसकी गैया और मैया दोनों ले लो। अम्बा जी को अब नहीं रहा गया, बोले जो 100 ग्राम दूध ले दिया उसको 100 गुना संपत्ति दे दी, ये हिसाब भाई समझ में नहीं आया, और जिसने जितना था उतना दे दिया, गरीब आदमी तो उसके दूध की जो वृत्ति आती थी वो गैया और बात करने के लिए थी मैया, दोनों आप ऐसा बोले, यही तो समझ ठीक है, समझो अभी इसका कुछ समय गैया और मैया में जाता है, अब ये अखंड भजन करके परमात्मा प्राप्ति करेगा। और वो उतने वैभव में तो अपमान संत का कर दिया, जब 100 गुना और बढ़ेगा तो महापाप करेगा, नरक जाएगा, समझ रहे। तो भगवान के विधान को हम लोग समझ नहीं पा रहे, अगर हमें भगवान नहीं दे रहे तो जरूर हम पर कृपा करें, ऐसा हमें मानना चाहिए। नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, तभी आप ये भक्ति का रास्ते समझ पाओगे। दूसरों से सुख लेने की भावना, भगवान को भूलकर संसार में रमना, तो आप अध्यात्म नहीं समझ पाओगे, भक्ति नहीं समझ पाओगे, तो पापाचरण बनेंगे, हृदय अशांत रहेगा और दुर्गति हो जाएगी। तो नाम जप करो, भगवत सेवा भाव से परिवार की समाज की सेवा करो, भगवान से जो मांग करो, एक तो मांगना नहीं चाहिए, अगर मांग करो तो छूट दे दो कि पूरा करो तो जय जय, और ना पूरा करो तो जय जय, आपका हमारा जो भाव संबंध है वो कभी टूटे ना प्रभु, और ना पूरा करने पर हमें इतनी हिम्मत देना कि आपके प्रति हमारी श्रद्धा कभी न, तो आपकी जय हो जाएगी। जिनको कई कई दिन भोजन मांगने पर नहीं मिलता था सुदामा जी को, उनकी सुदामापुरी बन गई जैसे द्वारिकापुरी। जिस दिन हमारे प्रभु की नजर हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, पक्का मानना, पापाचरण मत करो, नाम जप करो, सर्वानंद की प्राप्ति इसी से हो जाती है।